गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर क्लास. दिस इज़ योर इंग्लिश टीचर ज्योति ताम्रकार. एंड आज जो है हमारी सेकेंड बुक, राइट? जैसे कि आप जानते हैं दैट वी आर टू स्टडी टू बुक्स. जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है वहाँ पर आपको दो बुक्स स्टडी करना है. फर्स्ट वन इज़ हनीड्यू एंड द अदर वन इज़ इट्स सो हैपेंड. ओके, तो आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं इट इज़ फ्रॉम इट्स सो हैपेंड. तो दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक एंड इट इज़ हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प. कैमल को अपनी हम्प जो है वो कैसे मिली. तो बिफोर यू स्टार्ट दिस चैप्टर हियर आर फ्यू ऑफ द सेंटेंसेस दैट इज़ द प्राइमरी इंफॉर्मेशन जो आपके चैप्टर को पढ़ते टाइम आपको काम में आने वाली है. सो द फर्स्ट वन इज़ दैट कि द वर्ल्ड हैड जस्ट बिगन एंड द एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमन. जबकि हम ये बात कर रहे हैं तब दुनिया शुरू ही हुई थी और एनिमल जो है वो लोगों के लिए यानी ह्यूमन बींग के लिए काम कर रहे थे. देयर वॉज वन लेजी एनिमल दैट डिड नथिंग एंड सेड नथिंग बट हम. और उन्हीं में से एक एनिमल था जो बहुत ही लेजी था, बहुत ही आलसी था. वो कुछ नहीं करता था और कुछ नहीं कहता था, बस एक ही वर्ड था उसके पास में बोलने के लिए, हम्फ. इवन द क्लेवर्जिन वॉज एट हिज विट्स एंड. और उसके सामने में जो ये एनिमल था जो सिर्फ हम कहता था, उसके सामने जिन, यहाँ पर एक जिन का भी एग्जिस्टेंस आपको देखने मिलेगा स्टोरी में, तो जिन भी उसके सामने कुछ नहीं कर पाता था, यानी उसके बिट्स जो हैं वो एंड हो जाते थे. तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. इन द बिगनिंग व्हेन द वर्ल्ड वॉज न्यू एंड द एनिमल वर जस्ट बिगनिंग टू वर्क फॉर मैन देर वॉज अ कैमल एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ द हॉलिंग डेजर्ट बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क. तो जब ये दुनिया शुरू ही हुई थी और नई थी तब एनिमल जो है वो ह्यूमन बींग के लिए यानी इंसानों के लिए काम करते थे, ठीक है. और उन्हीं में से एक एनिमल था कैमल. और वो कहाँ पर रहता था? हॉलिंग डेजर्ट में, क्योंकि वो कुछ भी काम नहीं करना चाहता था. दैट्स वाई ही एट स्टिक्स एंड थॉर्न्स एंड प्रिकल्स एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम ही सेड हम्फ, जस्ट हम्फ एंड नो मोर. और वो वहाँ पर क्योंकि डेजर्ट में रहता था तो वो स्टिक्स खाता था, थॉर्न्स जो है वो कांटे भी खाता था एंड प्रिकल्स वो भी खाता था. और अगर कोई उससे कुछ पूछता था, ठीक है, या कोई बात करता था तो वो कुछ नहीं कहता था, जस्ट हम्फ हम्फ करके वो रह जाता था, इसके अलावा कुछ भी नहीं करता था. प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग विद अ सैडल ऑन हिज बैक एंड सेड, कैमल ओ कैमल कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस. तो जब हम बात कर रहे हैं, अब यहाँ पर क्या हुआ, एक हॉर्स आया कैमल के पास में. इट वॉज़ अ मंडे मॉर्निंग और उसके पीठ पर सैडल था. सैडल जो होता है वो क्या होता है, काठी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है. तो वो रखा हुआ था और उसने आकर के कहा कि कैमल ओ कैमल आओ और जितनी मेहनत हम सब करते हैं तुम भी करो. हम्फ सेड द कैमल एंड हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. तो कैमल ने फिर कुछ नहीं कहा, हम्फ करके वो रह गया और देन हॉर्स जो है वहाँ से चला गया. और हॉर्स ने जाकर के इंसान को बताया कि ये जो कैमल है वो सिर्फ हम्फ करता है और कुछ नहीं. प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम विद अ स्टिक इन हिज माउथ एंड सेड, कैमल कैमल कम एंड फैच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस. अब दूसरा जो था वो डॉग आया उसके पास जिसके मुंह में एक स्टिक थी. तो डॉग ने भी कैमल से क्या कहा कि आ और फैच करो. फैच करो क्या करते हैं कैमल डॉग्स जनरली लकड़ी को लेकर के आते हैं ना. तो उसने कहा कि इसे फैच करो और कैरी करो जैसे कि हम बाकी सारे लोग करते हैं, यानी बाकी सारे एनिमल कर रहे हैं. हम्फ सेड द कैमल, फिर उसने हम्फ कहा. एंड द डॉग बेंट अबे एंड टोल्ड द मैन, और उसका जो हम्फ था उसके बारे में जाकर के अभी डॉग ने भी इंसान को बताया. प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम
with the yoke on his neck and said, "Camel o camel, come and plow like the rest of us." अब उसके बाद जो है वो ऑक्स आया. ओके, ऑक्स जो है ऑब्वियसली बहुत मेहनत करता है, तो उसने भी कैमल से कहा कि मेरी तरह तुम भी खेती में हेल्प करो, प्लॉग करो, यानी जमीन जो है वो खोदते हैं जब हम, इसलिए कि सीड उसमें सो कर सके, तो दैट इज़ प्लॉग. ठीक है, तो उसने कहा कि करो प्लॉग, लेकिन अभी फिर क्या किया कैमल ने, हम्फ. और ऑक्स भी जो है वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, उसने भी इंसान को बताया कि भाई ये कुछ करता तो है नहीं, बैठे बैठे खाता है और क्या कहता है, हम्फ. ओके, एट द एंड ऑफ द डे मैन कॉल्ड द हॉर्स द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर. तो जब दिन ख़त्म होने वाला था, शाम हो गई, तो इंसान ने जो है वो डॉग को भी बुलाया, देन ऑक्स को भी बुलाया और हॉर्स को भी बुलाया. ये तीनों ही जो थे उन्होंने कंप्लेन की थी कि ये सिर्फ हम करता है और कुछ भी नहीं करता है कैमल, राइट. बट द हम थिंग इन द डेजर्ट, सॉरी. तो अब क्या हुआ, लास्ट जब वो लोग इकट्ठे हुए तो उस मैन ने क्या कहा, 303 आई एम वेरी सॉरी फॉर यू. उसने कहा कि मैं आपके, मुझे आपके लिए काफ़ी दुख होता है. क्यों? क्योंकि आप सब काम कर रहे हो और ये जो हम थिंग है इन द डेजर्ट कांट वर्क, ये जो चीज़ है जो हम करती है वो कुछ काम नहीं करती है. और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ, सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट. तो उन्होंने कहा कि वैसे उसे होना चाहिए यहाँ पर, बट क्योंकि अब वो सुनता ही नहीं तो मैं उसे छोड़ रहा हूँ, और अब तुम लोगों को जो है वो डबल काम करना पड़ेगा, मीन्स जो कैमल के हिस्से का काम है वो भी तुम्हें ही करना होगा. दैट मेड द थ्री एंग्री एंड दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट. तो तीनों जो है वो काफ़ी गुस्सा हुए कि एक तो वो कुछ करता नहीं है, हम करता है, और हमने इंसान को बताया तो उसने हमारा ही काम डबल कर दिया. तो देवर ऑल एंग्री, तीनों को गुस्सा आ रहा था, तो उन्होंने एक पंचायत बुलाई, एक सभा बुलाई, दैट वॉज ऑन द एज ऑफ डेजर्ट, जो कि डेजर्ट के एज पर थी. एंड द कैमल केम च्यूइंग कर्ड एंड लॉफ्ड एट देम, देन ही सैड हम्फ एंड वेंट अवे. अब जब कैमल यहाँ आया तो उल्टा उनके ऊपर हंस रहा था. क्यों हंस रहा था? क्योंकि वो तो गए थे कंप्लेन करने और उनका काम डबल हो गया, और उसने अगेन हम्फ कहा और वहाँ से चला गया हंसते हुए, ना उन लोगों की हंसी उड़ाकर, मजाक बना करके चला गया. प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन हु वॉज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट. तो अब वहाँ पर जो है कौन आया, जिन आया, जो कि क्लाउड ऑफ डस्ट में रोल कर रहा था. ओके, तो क्या है, जिन कैसे प्रकट होते हैं एक तूफान के साथ में, तो वो जिन वहाँ पर आया, और वो जिन जो था वो डेजर्ट का इंचार्ज था. अब जो है ये तीनों जिन से बात करने लगे. जिन ऑफ ऑल डेजर्ट सेट द हॉर्स, इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल. तो सबसे पहले जो है हॉर्स ने पूछा उस जिन से, क्या किसी का आइडल होना, क्या किसी का आलसी और कामचोर होना सही है? सर्टेनली नॉट, सेट द जिन. तो जिन ने कहा बिल्कुल भी नहीं, ये तो एकदम गलत बात है. वेल, सेट द हॉर्स, देयर इज अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट विद अ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स, एंड ही हैज़न डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग, ही वॉन्ट ट्रॉट. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि क्यों बताया जिनको, क्योंकि वो इंचार्ज था. उसने कहा कि तुम्हारा ये जो डेजर्ट है इसके बीच में एक कोई चीज़ रहती है, एक कोई एनिमल रहता है जिसकी लंबी सी नेक है और लंबे से पैर हैं, और मंडे मॉर्निंग से उसने इवन एक भी काम नहीं किया, वो कुछ काम करता ही नहीं है. हु, सेड जिन विस्लिंग, दैट्स माई कैमल, वॉट डज ही सी अबाउट इट. तो जिन ने कहा अच्छा वो एक्चुअली कैमल है, वैसे उसने क्या कहा आप लोगों से काम करने के बारे में. ही सेज हम एंड वॉन्ट प्लॉग, सेड द ऑक्स.
तो ऑक्स ने कहा कि वो सिर्फ हम कहता है और उसके बाद मैं प्लॉ करने वो मेरे साथ में नहीं गया। वेरी गुड, सेड जिन, आई हम हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट। तो अब उन्होंने कहा कि मैं उसको हम्प करता हूँ, अभी थोड़ा सा इंतज़ार करो। ठीक, तो यहाँ पे अब जो जिन है वो उसे या तो पनिश करेगा या उससे काम करवाने वाला है, राइट। अब देखते हैं कि जिन जो है वो क्या करने वाला है। सो हियर स्टार्ट द सेकेंड पार्ट। अब यहाँ पे कुछ एक सेंटेंसेस अगेन वी हैव। द जिन रिमॉन्स्ट्रेटेड विद द कैमल हु सेड हम्प। द कैमल्स ब्यूटिफुल बैक सडनली ग्रू अ हम्प विच वॉज कैमल्स हम्प। द जिन अश्योर्ड द कैमल हिज हम्प वुड ऑलवेज बी अ हेल्प नॉट अ हिंड्रेंस। अब यहाँ पे आप जो सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या होने वाला है, जिन जो है वो कैमल से बात करेगा और उसके बाद कैमल की जो ब्यूटीफुल बैक है उसके ऊपर एक हम्प, एक कोबर निकलने वाला है और लास्ट में जिन जो है वो बताएगा कि ये जो हम्प है तुम्हारे पास में ये तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा, कोई हिंड्रेंस, कोई बाधा या प्रॉब्लम नहीं है। द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन द डस्ट क्लॉक एंड टुक अ वॉक अक्रॉस द डेजर्ट एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन अ पूल ऑफ वाटर। तो जिन जो है वो अपने डस्ट क्लॉक के साथ में, यानी डस्ट वाले कपड़ों के साथ में जो है वो डेजर्ट को डेजर्ट में वॉक करते हुए कहाँ पर पहुँचा, कैमल के पास पहुँचा। कैमल जो है वो पूल ऑफ वाटर में अपने रिफ्लेक्शन को, अपने चेहरे को देख रहा था। माय फ्रेंड सेड द जिन, व्हाट्स दिस आई हियर ऑफ योर डूइंग नो वर्क। तो उसने पूछा कि भाई बताओ तुम मुझे पता चल रहा है कि तुम कुछ भी काम करते ही नहीं हो। द जिन सेट डाउन विथ हिज चिन इन हिज हैंड वाइल द कैमल लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर। तो अब जिन जो था वो अपने चिन के नीचे से हाथ रख करके, जैसे यहाँ पर पिक्चर में दिया हुआ है, उससे बात कर रहा था और कैमल जो है वो अपने रिफ्लेक्शन को पूल ऑफ वाटर में देख रहा था। यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क एवर सिंस मंडे मॉर्निंग ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस, सेड जिन एंड ही वेंट थिंकिंग विद हिज चिन इन हिज हैंड। तो उसने कहा कि तुमको मंडे मॉर्निंग से 3 काम दिए गए थे लेकिन कोई भी काम तुमने किया नहीं, बिकॉज यू आर आइडल वन, क्योंकि तुम बहुत ही आलसी हो। और फिर वो जो है कुछ सोचने लगा वापस अपनी हाथ अपने चिन के नीचे हैंड रख करके। हम सेट द कैमल, और कैमल की जो आदत थी उसने वापस उससे कहा हम्फ। आई शुडंट से दैट अगेन इफ आई वर यू, सेट जिन, यू माइट से इट वंस टू ऑफन, आई वॉन्ट यू टू वर्क। तो अभी जिन ने क्या कहा कि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं बार बार ये हम्फ हम्फ नहीं कह रहा होता, और अभी मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ काम करो। एंड द कैमल सेड हम्फ अगेन, कैमल ने फिर से बोला हम्फ। बट नो सूनर हैड ही सेड इट देन ही सॉ हिज बैक दैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ पफ्ड अप एंड पफिंग अप इनटू अ ग्रेट बिग हम्प। तो अब जैसे ही उसने हम बोला तो उसकी जो बैक थी, राइट, वो बैक क्या हो गई, उसके ऊपर एक, ये जो ब्यूटीफुल सा इसका बैक दिख रहा था, इस बैक के ऊपर एक हम्प जो है वो निकल आया, राइट। ये जो पोर्शन दिख रहा है ऐसे ऊपर ये निकल गया, क्यों, क्योंकि अभी उसने हम्प कहा और जैसे ही उसने हम्प कहा तो उसकी ब्यूटीफुल सी बैक जो है वो पफ अप हो गई, यानी कि फूल गई, ठीक है, और एक बड़ा सा हम्प वहाँ पर बन गया। डू यू सी दैट, सेड द जिन, जिन ने पूछा ये दिख रहा है तुमको, दैट्स योर वेरी ओन हम्प दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग। तो जिन ने कहा कि बार बार हम्प कहते हो तुम, तो लो भाई तुम्हारा खुद का हम तुम्हारे पास है अब, ठीक है, और ये क्यों मिला है, क्योंकि तुमने कोई भी काम नहीं किया है, तो ये तुम्हारी खुद की अर्निंग है। ये
टुडे इज थर्सडे एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे। इसने कहा कि आज थर्सडे है और मंडे से लेकर के अभी तक तो तुमने कोई काम नहीं किया है। व्हेन द वर्क बिगन नाउ यू आर गोइंग टू वर्क। तो मंडे से काम शुरू होता है, अब कुछ नहीं किया है तो अब तुम काम शुरू करने वाले हो। हाउ कैन आई सेट द कैमल विथ हिज हम्प ऑन माई बैक। अब जो है कैमल हम्प करना भूल गया और उसने क्या कहा कि मैं इस हम्प के साथ में कैसे काम करूं? दैट हैज़ अ पर्पस सेट जिन। तो जिन ने कहा कि ये जो हम्प मिला है तुमको उसका भी एक रीज़न है। ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज थ्री डेज यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर थ्री डेज विदाउट ईटिंग। तो क्योंकि तुमने 3 दिन का काम नहीं किया है इसलिए अब तुम 3 दिन लगातार काम करोगे और कुछ खाओगे नहीं। बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम। क्योंकि इस हम की वजह से 3 दिन तक तुम्हें कुछ भी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू। और तुम अब मेरे से ये नहीं कहोगे कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, मतलब तुम्हारे लिए कुछ अच्छा नहीं किया। तो ये जो मैं हम्प दे रहा हूँ ठीक है, ये हम्प की वजह से मिला है लेकिन ये तुम्हारे लिए हेल्पफुल भी है। कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द थ्री एंड बिहेव। अब जाओ और वो जो तीनों हैं जिनसे तुमने मिसबिहेव किया है उनके पास जाओ और अब अच्छे से बिहेव करना। एंड द कैमल वेंट अबे टू ज्वाइन द थ्री। अब कैमल जो है वो उन तीनों के पास में पहुंच गया, अब वो भी उनके साथ मिलकर के काम करने वाला था। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर्स अ हम। वी कैन कॉल इट हम नाउ नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग। अब जो है तब से कैमल के पास हम्प है। तो ये हम्प जो है एक्चुअली हम्प इसलिए बोलते हैं, हम्प नहीं बोलते हैं ताकि उसकी फीलिंग हर्ट ना हो, उसे बुरा ना लगे। एक्चुअली ये जो हम्प मिला है दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ दैट हम्प। बट ही हैज नेवर येट कॉट अप विद द थ्री डेज दैट ही मिस्ड एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ल्ड एंड ही हैज नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव। हालांकि वो जो 3 दिन का काम जो उसने स्टार्टिंग में नहीं किया था इन द बिगनिंग ऑफ द वर्ल्ड, उसने कभी भी उसे पूरा नहीं किया और अभी भी उसके मैनर्स बहुत अच्छे नहीं हैं, तो ही डिड नॉट लर्न हाउ टू बिहेव, राइट। तो दिस स्टोरी इज रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग और ये स्टोरी एक इमेजिनरी स्टोरी है बट इट वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग, ओके। और इन दिस स्टोरी द हम्प थिंग गॉट इट्स हम बिकॉज उसको कुछ काम नहीं करना था, हम्प बस करना था। दैट्स वाई डोंट बी लेजी एंड कीप ऑन वर्किंग। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।